सम्मान के साथ कहता हूं दीपक जी कि आप जैसे महानुभव के माध्यम से एवं सहयोग से जी 2012 से लेके हमने इस अभियान को शुरू किया 2012-13-14 तक हमने तीन तहसील में काम किया, लेकिन 2015 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जलयुक्त शिवार अभियान नाम की एक स्कीम आ गई, फिर उनका सहयोग लेके अब जैसे महानुभवों का सहयोग लेके हमने 150 गांव में जलयुक्त शिवार अभियान के माध्यम से रिवर रेगुलेशन का काम किया, जहां पर ट्रिमेंडसली एक्सपीरियंस किसानों को मिले, जहां 500 फीट वाटर टेबल जा चुका था इस डिसिल्टिंग की वजह से, पानी को उस रिवर रेगुलेशन के काम से उस गांव के ही एरिया में और कैचमेंट एरिया में वो पानी रुका, तो वहां का वाटर टेबल 100 फीट तक 75 या 50 फीट तक आ गया, एक अनाज लेने वाला किसान 4 अनाज तक पहुंच गया और उसका इकोनॉमिकली ग्रोथ होने लगा। और फिर जाके हमने एक टेक्निकल प्रोग्राम का सर्वे किया, एक ऐसा ठान लिया कि ये डिसिल्टिंग ये टेक्निक नहीं है या ये पूर्ण तरह से काम नहीं है, तो वॉटरशेड मैनेजमेंट एक ऐसा एक मॉड्यूल है कि जहां पर अगर एक साल में हम उसका काम करेंगे तो आने वाले 50 साल तक इसके इफेक्ट हर किसान को दिखेंगे। और उसके लिए हमने जिसको वॉटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में पानलोट विकास कहते हैं, तो एक ऐसा संकल्प किया कि जालना डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में करना है, दो गांव में करना है, तो हमने ऐसा ठान लिया और संकल्प किया कि हम एक साथ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करने जाएंगे कि जिसमें आप जैसे महानुभव का सहयोग मिला, खास करके मोहन जी, सतेज जी, दीपक जी, आपका यहाँ पर मनु जी, डॉली जी, इनका नाम लेने का मुझे गर्व होता है कि आप जैसे भारतवर्ष के लोग अमेरिका में रह के आप हमारी चिंता करते हो, हमारे लिए कुछ करने का आपके मन में संकल्प आता है, इसके लिए मैं आपको अंतकरण पूर्वक धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं। प्रोजेक्ट की सबसे अहमियत एक है कि इस प्रोजेक्ट को 3 साल तक हमने समर में या विंटर में हमने श्रमदान से हर दिन 10-10 घंटे 12-12 घंटे पहाड़ों पे हमने श्रमदान करके इसमें के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए। 15 किलोमीटर का सीसीटी इस गांव के 10 गांव के 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग रोज पहाड़ पे आते थे, उन्होंने खुद निर्माण किए हैं। जितनी डीप सीसीटी बनी है 3000 डीप सीसी के स्ट्रक्चर्स 85 किलोमीटर के पहाड़ों पे हमने बनाए हैं। उसका एक टेक्निक मैं आपको बोलता हूं, एक डीप सीसीटी जब हम पोकलैंड मशीन के माध्यम से बनाते हैं दीपक जी, उसका लेंथ होता है 20 मीटर, उसका विड्थ होता है 1 मीटर और डेप्थ होता है 1 मीटर। अगर बारिश आती है तो ये जो 20 मीटर का एक बॉक्स है, 20 मीटर लंबा, 1 मीटर डीप और 1 मीटर उसकी विड्थ होती है, तो ये 20 मीटर के एक बॉक्स में अगर बारिश आती है और वो भरता है तो उसमें 20,000 लीटर पानी स्टोर होता है, 20,000 लीटर। तो ऐसे 3 साल में हमने इस 85 किलोमीटर के पहाड़ पे 300 बॉक्सेस बनाए हैं, 3,000 बॉक्सेस बनाए हैं। अभी आप ही वहां पे कैलकुलेशन लगाओ कि एक बारिश में एक बॉक्स में 20,000 लीटर पानी अगर रुकता है तो 3,000 × 20,000, तो एक बारिश में 6 करोड़ लीटर पानी उस पहाड़ पे रुकेगा और रुक के वो जमीन में जाएगा। तो ऐसे जितने भी बारिश आएंगे, अगर दिन में 3 बार बारिश आती है तो 3 बार वो भरता है, तो एक ही दिन में 18 करोड़ लीटर पानी वहां पर स्टोर हो रहा है। तो आज तक कम से कम 1000 करोड़ के ऊपर पानी आज तक उस पहाड़ में रुका है, और फिर रुक के वो जमीन में गया, फिर नीचे आके फिर वो नालों में जो हमने काम किया है उस नालों में वो भरा है, उस गैदरिंग स्ट्रक्चर के बांध में वो भरा है, फिर जाके खेत में भरा है। ये जो 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई है उस स्टेजेस को इस साल, इस प्रोजेक्ट को हमने 3 साल में पूरा किया। और मुझे अभिमान के साथ एक बात आपको कहनी है कि इस गांव के, इस 10 गांव का पॉपुलेशन 30,000 के करीब पॉपुलेशन आता है और 15,000 हेक्टर यानी के 45,000 एकड़ क्षेत्र लगभग आता है जो पूरी तरह से आज लाभान्वित हो चुका है। इस साल इतनी अच्छी बारिश इस लॉकडाउन के माध्यम से वो भी एक रीजन हो सकता है, तो इतनी अच्छी बारिश हुई है कि आज इस पहाड़ पे अगर आप जाएंगे तो एक हिल स्टेशन के तरह यहाँ एक्सपीरियंस लोग कर रहे हैं। 50 साल पहले जैसे कुछ
झरने इस पहाड़ के ऊपर से बहते थे, नदियां पूरी भरी लगती थी, सब तरफ हरियाली लगती थी। तो वो एक्सपीरियंस आप सब 10 गांव के लोग यहाँ ले रहे हैं, आसपास के बहुत सारे गांव के लोग इस पहाड़ को देखने के लिए आ रहे हैं, प्रोजेक्ट देखने को ले आ रहे हैं। और इस गांव के युवा किसान जिन्होंने गांव छोड़ दिया था, किस खेती छोड़ दी थी, वो ये प्रोजेक्ट होने के बाद आज गांव में आए हैं। तो वो आज इस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अभी हम शहर में वापस नहीं जाएंगे।